घबराने की कोई जरूरत नहीं मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट लोगों ने ट्विटर पर अपने रिव्यू शेयर किए कैसी कि लग रही है लोगों को पुष्पा हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं स्टूडियोज सोनी फ्रेंड्सोनील दोस्तों अल्लू अर्जुन रश्मिका की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा रिलीज हो चुकी है आज यानी कि सत्रह दिसंबर को इसे हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ में रिलीज किया गया है लोगों में फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट थी एडवांस बुकिंग में भी यह एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है लोगों ने फिल्म का पहला शो देख लिया है सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यूज आने शुरू हो चुके हैं और लोग मिली प्रतिक्रिया दे रहे हैं मतलब किसी को तो ये आउटस्टैंडिंग लग रही है लेकिन कुछ निराश भी हुए हैं वहीं दोस्तों आपको बता दें कई लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं भी आ रही है लोगों ने इसे पुष्पा द राइस की बजाय पुष्पा द फॉल बता दिया है कुछ लोगों को फिल्म के ड्यूरेशन से नाराजगी है फिल्म करीब तीन घंटे की है और लोगों का कहना है कि एडिटिंग के वक्त इसे छोटा किया जा सकता था लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म का पहला हाफ शानदार है लेकिन जो दूसरा हाफ है मेकर्स ने इस पर पानी फेर दिया है का दूसरा हाफ एकदम स्लो और बोरिंग है चलिए ट्वीट बता देते हैं। एक यूजर ने लिखा है, the rise, the fall, यानि बताया है। और पांच में से चार स्टार दिए हैं वही अलू अर्जुन की स्वैग की तारीफें की हैं स्टनिंग परफॉर्मेंसेस विजुअल अपील और म्यूजिक की बहुत ज्यादा तारीफें की है वहीं एक यूजर ने लिखा है वॉट अ मूवी हैशटैग पुष्पा द राइस आउटस्टैंडिंग वन मैन शो अल्लू अर्जुन यानी कि अल्लू अर्जुन की तारीफें की गई है यहाँ पर और कहा गया है कि ये वन मैन शो है वहीं एक यूजर ने लिखा पुष्पा का जो मॉर्निंग शो है उन्होंने देखा ऑक्यूपेंसी के साथ ये खुला लेकिन पुअर ओपनिंग हुई है हिंदी में यानी कि हिंदी दर्शक कम ही जा रहे हैं ये इनका कहना है वही अल्लू अर्जुन की बहुत ज्यादा तारीफें की है एज अ पुष्पा राज जो नजर आए हैं इंट्रो बिल्डअप बहुत अच्छे तरीके से किया गया है लेकिन जो फेस ऑफ वाला सीन है वहां पर कुछ भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला बाकी की स्टार कास्ट अच्छी लगी लोगों को म्यूजिक अच्छा लगा वही एक यूजर ने बताया कि ये फिल्म बिलो एवरेज फिल्म है रश्मिका मंदाना ने ओवर एक्टिंग की है म्यूजिक को भी एवरेज बता दिया है अलू अर्जुन की एक्टिंग को अच्छा बताया पांच में से सिर्फ दो स्टार दिए इस यूजर ने वहीं ये कहा है एक यूज़र ने कि अगर आपको पुष्पा देखनी है तो ये सीखने को मिलेगा कि कैसे एक अच्छे खासे फर्स्ट हाफ़ को आप स्पॉइल कर देते हैं सेकेंड हाफ़ में तो ये भी कहा जा रहा है तो मिक्स्ड रिव्यू हम बोल सकते हैं इस फिल्म के अभी तक आ रहे हैं आज तो फिल्म रिलीज़ हुई है आने वाले दिन में पता चल जाएगा कि किस तरह का परफॉर्म ये कर रही है फिल्म का दूसरा भाग पुष्पा द रूल अगले साल रिलीज़ होगा अल्लू और रश्मिका के अलावा फ़िल्म में फहद फासिल नज़र आए फिल्म का डायरेक्शन सुकुमार ने किया है जिन्होंने इससे पहले रंगास्थलम जैसी शानदार फिल्म की फिल्म की सीधी टक्कर बॉक्स ऑफिस पर तबाही लाने वाली फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम से है यानी कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस कितना इकट्ठा कर सकती है पुष्पा आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियज को